मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश सरकार के शराब आहतों को बंद करने के निर्णय पर प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा इसे महिलाओं का अपमान बता रही है। कमलनाथ के दिए गए बयान के विरोध में भाजपा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कमलनाथ का पुतला फूंकते हुए उन्हें महिला विरोधी तक बताया। अपने प्रदर्शन के दौरान भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू का कहना है कि एक ओर जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान महिलाओं की मांग पर शराब आहतों को बंद करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहकर प्रदेशवासियों के साथ साथ महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं, जिसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से अपने दिए गए इस बयान पर माफी मांगने की बात कही है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कैबिनेट में निर्णय किया कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने आता चल रहे हैं उन आतों को बंद किया जाए। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगा कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। जगह जगह आता खुले हुए थे, हमारी माताओं बहनों को निकलना मुश्किल होता था, बेटियों को निकलना मुश्किल होता था, परिवार के साथ निकलते तो कई बार बड़ी घटनाएं हो जाती थी, आपस में विवाद की स्थितियां बनती थी, एक वातावरण समाज के अंदर दूषित हो रहा था। और इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि हम पूरे आता जितने हैं वो सारे के सारे आता बंद करेंगे। उसका निर्णय पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों ने किया, वरिष्ठों ने किया, महिलाओं ने किया, नौजवानों ने किया, बेटियों ने किया। आज कमलनाथ जी का ये वर्णन कि ये प्रदेश मदिरा प्रदेश है, एक प्रकार से आप इस मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अपमान कर रहे हैं, उनको मदिरा से आप संबोधित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, ये आपका आचरण है क्या? ये एक प्रकार से अपमान नहीं है महिलाओं का, ये एक प्रकार से उन बुजुर्गों का अपमान नहीं है कि जिनको आप क्या कह रहे हो कि मदिरा प्रदेश है, मतलब मदिरा प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सिर्फ मद्यपान करता है, ये उनकी सोच का दिवालियापन है। और इसलिए आज हमने प्रतीकात्मक रूप से उनका पुतला जलाया और उनको ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि समाज के अंदर विसंगतियाँ पैदा नहीं करें, विषमताएँ पैदा नहीं करें, वातावरण समाज का गंदा नहीं करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, उनका साथ दें, विकास में साथ दें, आने वाले समय में जनता इसका आपको मिल जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जबलपुर जिले में अध्यक्ष प्रभात साहू जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया। कमलनाथ जी महिला विरोधी तो थे ही, कांग्रेस महिला विरोधी है, इसका इन्होंने आज जवाब दे दिया, बता दिया कि कांग्रेस किस तरह महिलाओं का विरोध कर रही है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अहाते बंद कर रहे हैं बहनों के लिए कि हमारी बहनें सुरक्षित रहें, सड़क पर सुरक्षित निकल सके, तो आज कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शराब मध्य प्रदेश में सस्ती हो गई है और राशन महंगा हो गया है, जबकि राशन भरपूर गरीबी रेखा के कार्ड वालों को मिल रहा है। माननीय कमलनाथ जी का हम लोग भरपूर विरोध करते हैं इस महिला विरोधी काम के लिए, और उन्होंने आज प्रदेश को शराबी प्रदेश तक कह डाला कि शराब से यहाँ पे शराब ज़्यादा है और अनाज कम है। इसका हम महिला मोर्चे की बहनें और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करता है, और कमलनाथ जी का आज हम लोगों ने पुतला दहन करके एक सांकेतिक उनको बताया है कि अगर कमलनाथ इस तरह की टिप्पणी करते रहेंगे तो और भी आगे विरोध होगा। लवलीन आनंद पार्षद उप सभापति नगर निगम।